हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी बैंगन की भरते की रेसिपी। और मैंने इसे बिना गैस के, बिना माइक्रोवेव के भुना है और ये बैंगन भुन चुके हैं। सॉरी, मुझे थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि एक्चुअली मुझे इसको भूनते हुए आपको बताना चाहिए था। मैंने इसे इस इलेक्ट्रॉनिक कुकर में भुना है। ये हमने बैंगन क्लीन कर लिए और मेरे बैंगन अच्छे से भुज चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। और इनको मैंने वॉश कर लिया। अब हम रेडी करते हैं बैंगन का भरता। बैंगन के भरते के लिए मैंने लिए 3 बड़े प्याज और मीडियम साइज़ के 5 टमाटर और हरी मिर्च मैंने इसी में ग्राइंड कर लिया। और ये मेरे 4 बैंगन थे। हम इसको जितना सिंपल बनाएंगे उतना अच्छा बनेगा। मैं सिर्फ इसमें देखी मिर्च और नमक और मैं कोई मसाला ऐड नहीं करूँगी। ये अभी मैं इसमें ऑयल आप अपने हिसाब से घी में, सरसों के तेल में या किसी भी ऑयल में बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अभी मैंने इसमें डाला है ऑयल और अभी मैं डालूँगी अनियन। अभी हम अनियन प्याज को फ्राई करेंगे। हमें इसे लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा थोड़ा कच्चा रखना है इसको, तभी आपका बैंगन का भरता जो है टेस्टी लगेगा और टेस्टी बनेगा जो इसका कच्चापन होगा। इसमें मसाला ज़्यादा बनता है। प्याज और टमाटर आप कितने ज़्यादा डालेंगे, इतने ज़्यादा ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डाल दो। मेरे बैंगन थे 4, तकरीबन 1.5 किलो ना, तो मैंने 3 बड़े प्याज लिए और 6 टमाटर लिए मैंने। इसमें आप जितना तीखा खाते हो, मैंने मिर्ची भी उसी में ग्राइंड कर दी। मैंने डाली हैं 12 हरी मिर्च और ये मैं डालूँगी देगी मिर्च कलर के लिए, क्योंकि मैं हल्दी नहीं डालती हूँ। और ये रहा नमक और मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी। देखिए, अब हमारे प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो रहे हैं। मैं इन्हें बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, इनका जो कच्चा बनाना मैं इसे और 2 मिनट तक चलाऊंगी, उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल देंगे, टमाटर और मिर्च। अभी हमारे प्याज रेडी हैं, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। ऐसे प्याज चाहिए हमें, थोड़े थोड़े कच्चे, थोड़े थोड़े पके हुए, तभी तो टेस्ट आएगा ना। ये अभी मैं डाल रही हूँ टमाटर और मिर्च। इसका मैं फ्लेम करूँगी, स्लो पे जाऊंगी, स्लो करूंगी इसको। इसको मैं कलर देने के लिए ना इसमें डालूंगी देगी मिर्च। ओके, और अभी इसको हम चलाएंगे। इसमें और कुछ नहीं जाएगा। जब तक हमारे टमाटर मिर्च पकेंगे, हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट बाद चेक करेंगे। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं और पकाने के लिए, इसको थोड़ी देर और पकाएंगे हम लोग, ये घी ना छोड़ जाए। इसको स्लो करके अभी हम 5 मिनट पकाएंगे। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब तक हमारा मसाला आता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक
कुकर आप देख रहे हैं, इसके इतने फ़ायदे हैं मैं जितने बताऊँ कम है। मैं इसी में ही चपाती, इसी में पूड़ी, फ्राई करना, दाल कुछ भी इजीली इसमें बन जाता। इलेक्ट्रॉनिक है बट इजीली बन जाता और आपकी बचत भी करता है लाइट की ना। ये नहीं कि आप इस पर बनाते हो तो आपका जो बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा नहीं कम आता, मैं नहीं कह सकती ज़्यादा आता। अभी हम इसे थोड़ी देर और ऐसे ही ढक के पकाएंगे। मेरे हिसाब से अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक है तो ये ज़रूर होना चाहिए। अब जैसे बैंगन का भट्टा खाने का दिल किया तो मैं बैंगन भूनूं कैसे, ना तो मैं इस पर भून सकती हूँ और ना ही इसमें भूनने का टेस्ट आ सकता है। वो टेस्ट सिर्फ इसी में आ सकता है जो आप देख सकते हो, आप ट्राई ज़रूर करना। अब मैं डालूँगी इसमें नमक, ये डाल रही हूँ मैं नमक, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये मसाला अभी हमारा काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है, तो मैं इसे और थोड़ी देर ऐसे ही पकाऊँगी क्योंकि मैंने टमाटर जो है काट के नहीं डाले, थोड़ा सा काम को बचने की कोशिश के चक्कर में। वैसे तो इसमें टमाटर काट के डाले जाते हैं, मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिए, मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए। वैसे इसमें टमाटर भी डालें काट के डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये जो मसाला है ना अब हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक तो सबसे ज़्यादा मुश्किल बात ये है कि इसमें एक हाथ से आपको फ़ोन भी पकड़ना पड़ता है और दूसरे से आपको बनाना भी पड़ता है। मैं एक एक करके इसमें बैंगन डालूंगी, 1 and 2 and 3। देखिए मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। ये मैंने मसाले में डाल दिए बैंगन। मैंने जो बैंगन है ना उनको ना तो मैंने क्रश किया ना मैंने कुछ, हो ये मैं कड़छी से ही धीरे धीरे से मसाले में उनको पकाऊंगी और ना ही मैं इसकी पूंछें फेंकती हूँ क्योंकि मुझे खाने में बहुत अच्छी लगती हैं ये पूंछें ना बैंगन की, वेरी टेस्टी। आप इसको जितना सिंपल तरीके से बनाएंगे ना उतना ही बढ़िया बनेगा आपका बैंगन का भरता। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं बट मुझे वो अच्छा नहीं लगता। ये देखिए मैं इसी से बैंगन को थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे बैंगन अच्छे से भुज चुके हैं और अगर आप बॉईल करके बैंगन बनाओगे तो वो स्मेल वो टेस्ट नहीं आता भुना का, जो भून के बैंगन बनते हैं ना जैसे तंदूर हो या कुछ और हो। बस ये है कि बनने के बाद इसमें आप हरा धनिया डाल सकते हो, ये देखिए देखिए कितना अच्छा कलर आया ना इसमें, ये देखिए मैं कच्ची से अभी मैं इसको ये मसाले में बैंगन अच्छे से मिक्स हो जाए उसके लिए स्लो गैस पे ना इसको 5 मिनट के लिए कवर अप करूँगी। ओके अभी हमारा भट्टा हो चुका है रेडी, देखिए क्या खुशबू आ रही है और मुंह में अभी से पानी आ रहा है। अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और बार बार बनाएंगे। देखिए आपका बैंगन देखिए बिल्कुल बीच में घुल चुका है ना, तो हमारा बैंगन का भट्टा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डालूंगी, और ये आपकी बैंगन के भट्टे की रेसिपी।
डन हो चुकी है। इसे ज़्यादा करके लोग तंदूर की रोटी या फिर परौंठे के साथ खाते हैं। गुड कॉम्बिनेशन। ओके बाय।